नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए साल के दूसरे दिन मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम आवास पर बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी, कलेक्टर और एसपी के साथ प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए। इस बैठक में सीएम ने अलग अलग विभागों की योजनाओं पर चर्चा की और 2023 के विकास के रोड मैप को तैयार किया। साल का प्लान एक व्यवस्थित और तेजी से विकास, गांव और गरीब का कल्याण, हितग्राही उन्मुख योजनाएं एकदम स्पीड के साथ में कार्यों की पूर्णता, शिलान्यास भी और उद्घाटन भी दोनों एक साथ होना, ये सारे विषय आज चर्चा के हैं। एक तरफ कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का वादा कर रही है, तो वहीं अपने पुराने साथी दलों को दरकिनार कर रही है। राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी पर बयान दिया कि वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। राहुल के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार कर उन्हें पुराने दिन याद दिला दिए। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 को लेकर राजनीतिक पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी दावा कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी। राहुल ने कहा है कि वो लिख कर देते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत होगी। मैं आपको एक बात लिख के दे देता हूं, अभी कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को स्वीप करेगी, बीजेपी वहां दिखाई नहीं देगी। मैं आपको गारंटी करके, आप लिख लो और उस समय मुझे बता देना। मतलब अगर आप मुझे, कोई क्वेश्चन नहीं है कि वहां पे बीजेपी मतलब दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पे तो मैंने सोचा था कि महाराष्ट्र में, मतलब मैंने जो वहां कहा कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मध्य प्रदेश में तो टोटल अंडरकरंट था, मतलब तूफान आया हुआ है वहां पे। हालांकि राहुल के इस दावे पर बीजेपी ने तंज कसा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस का सरकार बनाने का ख्वाब ख्वाब ही रह जाने वाला है। लखमन सिंह जी ने बताया था कि 54 सीटें आ रही हैं कांग्रेस ही कुल सर्वे करा के, और ये कह रहे हैं कि सरकार बनाओ। दिग्विजय सिंह से राय तो अब ये लेते नहीं है, और इसलिए दिग्विजय सिंह से राय लेंगे तब पता चलेगा कौन बनेगा। दूर कोसों दूर है, ये ख्याली पुलाव है सरकार बनाने का, ये बनी बनाई नहीं चला पाएंगे, ये बनाएंगे कहां से। एक तरफ तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश में जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं अपने पुराने साथियों पर राहुल क्या कह रहे हैं आप खुद सुन लीजिए। अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजिशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा, कर्नाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। राहुल की ये बात सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को नागवार गुजरी है। उन्होंने राहुल पर पलटवार करते हुए पुराने दिनों की याद दिलाई है। अखिलेश ने कहा है कि मुझे याद है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना था, तब सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक ढूंढ रहे थे, उसी समर्थन से कांग्रेस की सरकार बनी थी। समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए लगातार काम कर रही है। नेताजी के समय पे कई प्रदेशों में विधायक रहे हैं, और मुझे याद है मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनना था, सबसे पहले वो समाजवादी पार्टी के विधायक को ढूंढ रहे थे, और मुझे याद है कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने उनको समर्थन दिया था, और उसी समर्थन की वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पोस्टर लगाकर भी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं सपा पर दिए बयान पर राहुल गांधी खुद सवालों के घेरे में आ गए हैं। ऐसे में सवाल है कि अपने पुरानी साथी दलों को भुलाकर आखिर कांग्रेस कैसे सरकार बनाएगी? क्या एकला चलो की राह से कांग्रेस का ये ख्वाब पूरा हो पाएगा? टीम न्यूज़ स्टेट।